अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आपका पीएफ अमाउंट कट हो रहा है तो नॉमिनी ऐड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम नॉमिनी कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल या लैपटॉप में क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद में गूगल में टाइप करना है UAN। UAN जैसे ही आप टाइप करके सर्च करेंगे, आपको सबसे ऊपर का ऑप्शन चूज करना है, मेंबर होम। तो इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको UAN नंबर डालना पड़ेगा राइट साइड में, और उसका पासवर्ड डालना पड़ता है। ये दोनों डालने के बाद में आप साइन इन करना पड़ेगा। तो ये दोनों जल्दी से डाल के साइन इन कर लेते हैं। जैसे ही आप साइनिंग करते हैं, आपको एक अलर्ट आता है, ई नामांकन सुविधा या ई हस्ताक्षर के माध्यम से भी अभी उपलब्ध है। तो अभी हम इसको स्केप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद में आपको ई नॉमिनेशन पे क्लिक करना है। ई नॉमिनेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेगा, आपको यहाँ पे आपको इसमें एक हैविंग फैमिली का ऑप्शन आता है, इस पे यस करना है। यह डिटेल्स जो भी आधार कार्ड में है वही सेम टू सेम डालना है। सबसे पहले आधार कार्ड, फिर नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आपका और जिनका नॉमिनी डालने वाले हैं उनका बीच में क्या संबंध है, बेटा या बेटी, जो भी आपका रिलेशन हो वो इसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आधार कार्ड में कौन सा एड्रेस रहता है वो सेम एड्रेस इसमें डालना है, और उसको डालने के बाद में फ़ोटो अपडेट करना है। ये फ़ोटो 100 KB से ऊपर का नहीं रहना चाहिए। ये सब डालने के बाद में नीचे में आप सेव फैमिली डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव फैमिली डिटेल्स पे क्लिक करेगा, उसके नीचे और ऑप्शन आएगा, आप उनको नॉमिनी में कितना परसेंट दे रहे हैं। जैसे कि मदर फादर है तो मदर फादर को 50-50% डाल सकते हैं। तो उस हिसाब से आप जितना शेयर उनको देना चाहते हैं इसमें परसेंटेज डालना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसमें परसेंटेज डालते हैं, उसके बाद में आपको सेव ईपीएफ नॉमिनी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ई साइनिंग करना पड़ेगा। ई साइनिंग करने के लिए वर्चुअल आईडी चाहिए आपको। इस पे जैसे ही आप इसको वापस क्लिक करते हैं, तो इंटर योर वर्चुअल आईडी या आधार नंबर और गेट वर्चुअल आईडी पे क्लिक करना है। तो इसमें डाल के जैसे ही आप क्लिक करेगा, उसमें आप एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे। तो जैसे ही आपका रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी इसमें इंटर योर आधार ओटीपी इसमें डाल के ओके करना है। ओके करने के बाद में आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। तो इस तरह से सभी कंप्लीट होने के बाद में आपका नॉमिनी एक्टिवेट हो जाता है। आप वापस इसमें जाके चेक कर सकते हैं। वापस मैनेज में जाना है। मैनेज में जाके ई नॉमिनेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ई नॉमिनेशन पे क्लिक करते हैं, आपको कुछ इस तरह से विंडोज ओपन हो जाता है, और पूरा आपका जो भी नॉमिनी जो डिटेल्स भरा है वो सभी एक पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही।